पे मैंने केस किया। मैंने वो दूसरी जो लड़की है, दिन में भैया रात में सैया, जो जो एज हम नौटंकी करके जो राखी बांधने का नाटक कर रहे हैं, ये लोग मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए उनको। बोल दिया जिसको बोलना था, जिसको समझने वाले थे वो समझ गए। मीटू में बात करने जा रहे हैं राखी सावंत के बारे में, जिन्होंने बहुत ही शॉकिंग किस्म के एलिगेशंस लगाई हैं राजश्री मोरे पर। उन्होंने कहा कि राखी बांधने की जो रस्म अदा की गई है, इन लोगों को शर्म करनी चाहिए थी। ये राखी नहीं बांधी गई, ड्रामा किया गया है, मेरे नाम को बदनाम किया गया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सच में बताऊं तो दिन में भैया और रात में सैया होते हैं इनके आदिल खान दुरानी। इसे सुनने के बाद फैंस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर राखी किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करने लग गई हैं। यहाँ पर आपको बताएं तो राजश्री मोरे जो हर सवाल का जवाब और हर आरोप का जवाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से दे रही हैं। हो सकता है कि आज दिन में किसी भी टाइम हमें उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर राजश्री मोरे ने आदिल खान दुरानी को राखी बांध कर ये तो साबित कर दिया था कि उनके और आदिल खान दुरानी के बीच में ऐसे कोई भी संबंध नहीं है, जिसको लेकर राखी सावंत उनके ऊपर बुरे बुरे इल्ज़ाम लगा रही हैं। वेल दोस्तों, आने वाला वक्त बताएगा कि राखी सावंत जो कुछ कह रही हैं वो सच था या कि नहीं। लेकिन फिलहाल राखी सावंत के लगाए गए सभी इल्ज़ामों, सभी आरोपों को इस तरह से मुस्तरद किया है राजश्री मोरे और शर्लिन चोपड़ा ने कि दोनों ने मिलकर राखी सावंत के हस्बैंड आदिल खान दुरानी को राखी बांधी। रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर जहाँ पर आदिल खान दुरानी को राखी बांधी गई, वहीं पर राखी सावंत ने कह दिया, ये वो औरतें हैं जो दिन में भैया लेकिन रात में सैया कहती हैं मेरे शौहर को। वेल, आप इनकी इस बात से कितना एग्री करते हैं, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।